है, उनके जन्मदिन पर हमारे पूरे कुंभ सैनिक और विरंजनाओं और पूरे भोजपुर वासियों की तरफ से और बहुत शुभकामना मुबारक और लगे कि ये लोग हमेशा करते रहे। अब जेल सिंह केंद्रीय मंत्री सह सांसद आरके सिंह के जन्मदिन काफी ही उत्सव के साथ मनाया गया। जन्मदिन के अवसर पर भाजपा कार्यालय में वर्चुअल केक काटकर सांसद और केंद्रीय मंत्री ने अपना जन्मदिन मनाया और पूरे भोजपुर वासियों के सभी मतदाताओं को जन्मदिन की बधाई भी दी। इस अवसर पर विकसित भारत 2024 को लेकर एक सेमिनार का भी आयोजन किया गया। जन्मदिन के अवसर पर सेमिनार में काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह कार्यक्रम भाजपा जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही पत्रकारों को भी अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। और आई हुई माताएं इधर से आइए और इधर से चलते जाइए, इधर से आइए ये हमारे धीरेन्द्र बाबू कार्यक्रम को करेंगे। तारकनाथ दुबे जी से प्रदेश में उनका प्रसन्न रहा है और देश विदेश में ऊर्जा क्षेत्र में काफी वो काम कर रहे हैं, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम लोग जानते हैं इस बात को और बिहार की जनता जानती है। संजय कुशवाहा है, उनके समर्थकों का भीड़ है। हम लोग चाहते हैं कि ऐसे ही लोग दोबारा इस क्षेत्र में आए और पूरा देश का जो काम चल रहा है बिजली के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस तरह से लगातार चलते रहे और आने वाले समय में हम लोग बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, ये उनका सपना है आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री का और वो सपना हम लोग का साकार हो। 2014 में एक भारत में एक परिवर्तन आया, उस परिवर्तन के साक्षी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता हैं और उसमें आर के सिंह जी बिहार के हैं और यहाँ पर आरा से हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं संसदीय क्षेत्र का, तो इससे एक कर्मयोगी के रूप में उन्होंने योगदान दिया और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को के साथ सहयोग करके आगे बढ़ा रहे हैं और हमारे आरा की जनता और आरा की धरती उनके प्रति सम्मान व्यक्त करती है कि उन्हें जिस उद्देश्य से उनका हम लोगों ने चयन किया उसकी पूर्ति हो रही है और अपना कार्यक्रम और अपनी कर्मठता के बल पर यहाँ पर एक स्थान बनाया है, पूरे भारत में बनाया है, जिस पर कि माननीय प्रधानमंत्री बहुत विश्वास करते हैं। अपने क्षेत्र में जो भी काम उनको दिया गया, चाहे बिजली का काम हो या स्किल डेवलपमेंट का, वो समय से पहले समय से पूरा करने का यश उनको मिला है। ऐसे आदमी के जन्मदिन पर मैं यही कहूँगा कि तुम सलामत रहो, हजार वर्ष हर वर्ष के दिन हो 50। धन्यवाद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे राष्ट्रीय स्तर पर ये सब चीज होता है और हैट्रिक हमारे सांसद जी लगाने के लिए पूर्ण रूप से तैयारी हम लोग चल रहा है और हम लोगों के लोकप्रिय सांसद भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री और हमारे प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ जो देश के विकास में पूरी दुनिया में अपना स्थान रखने वाले प्रबंधक नेता हमारे सांसद आदरणीय आरके सिंह जी का जन्मदिन है और हम लोग आज हर एक साल की भांति 2014 में हमारे सांसद महोदय यहां से जीते
और 2015 से प्रति वर्ष की तरह पूरे जिले के कोने कोने से लोग आकर इस समारोह में उपस्थित होते हैं। और जहां तक आज जिला कार्यालय भारतीय जनता पार्टी के प्रांगण में हॉल में सेमिनार हॉल में आदरणीय दुर्गाराज जी के नेतृत्व में हम लोग आज यहां पर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। और इस जन्मदिन का मुख्य मकसद ये है कि एक सेमिनार का आयोजन किया गया है, विकसित भारत 2047 विकसित भारत 2047 24 भी जो आया है तो ये चुनावी वर्ष है। हम लोग चुनाव में अभी 100 दिन बाकी है, आज से 100 दिन का कार्यक्रम माननीय सांसद महोदय के लिए हर एक पंचायत में, हर एक बड़े गांव में हम लोग जाकर जिन्होंने इस आज़ादी के बाद यहां भोजपुर में जो कार्य किया है, जो इस भोजपुर को विकसित किया है, वैसे नेता के कार्यक्रमों को हम लोग जिन्होंने ये विकास किया है इस क्षेत्र के लिए हम लोग गांव-गांव जाकर बताएंगे। और यहां तक कि पूरे विश्व में उन्होंने जो बिजली के क्षेत्र में काम किया है सोलर एनर्जी के बारे में, यहां तक कि भारत में जो उन्होंने बिजली के क्षेत्र में जो काम किया वो काबिले तारीफ है। आज देश में एक भी घर ऐसा नहीं है जहां पर बिजली घर में नहीं जलता हो। ये हमारे माननीय सांसद और ऊर्जा मंत्री श्री आरके सिंह जी का कार्य है, वो दिखाता है कि वो बहुत से कार्य किए हैं। हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि 2024 में यहाँ से कम 5 लाख मतों से वो जीतेंगे। और सभी लोग कार्यकर्ता, यहाँ तक कि जनता की आवाज़ है इस भोजपुर का कि हमारे नेता ऐसा आज तक न हुआ था, आगे न होगा, भूतो न भविष्यति, ऐसे नेता के आज जन्मदिन पर बधाई और शुभकामना देता है।